भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग का दौर जारी है। अब तक इंडिया अलायंस और कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। एक बार फिर भाजपा कार्यालय में छिंदवाड़ा से जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना और सागर जिले के सुर्खी सीट से विधायक रही पारुल साहू ने भाजपा ज्वाइन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। साथ ही ज्वाइनिंग के बाद सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह तो रण छोड़कर ही भाग गए, अब राजगढ़ पहुंचे हैं जहां अकेले चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। खुद के अलावा चार दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाने कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बटा धार किया है। भगवान राम का उपहास करने पर कांग्रेस की ये हालत हो रही है। हमारा तो स्लोगन ही ये है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, भारत को 21 शताब्दी का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन का प्रदेश बनाएंगे। और बहुत सारी योजना है, चूंकि चुनाव की बेला है, आया राम गया राम की स्थिति में से बाहर आकर के केवल हमारे बीच में अच्छा काम करने वाले लोग आ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल से राजनीति करने की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि अपने चुनाव क्षेत्र को चुनाव के बाहर जाकर के 2-4 लोकसभा की सभा ले लें। बड़े बड़े नाम इनके, एक ही एक जगह जाकर के जान बचाने के लिए अपनी अपनी जगह हाथ जोड़ के जुड़ा रहे। लेकिन ये कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस की दुर्दशा इनके कारण ही हुई। ये भगवान राम का उपवास करते थे और आज दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। जनता सब जानती, दोहरा चरित्र तो सब ध्यान में आता, हमने सबने देखा है। और जिस प्रकार से कल पैसे पकड़ाए, कोई दुआ करके रास्ता बदलना चाहता। भगवान राम का वैसे तो जीवन भर विरोध करते रहे और कह रहे चंदा हमने भी दिया, तो भगवान केवल चंदे के भूखे है क्या? ये चंदे का धंधा तुम्हारा होगा, भगवान का नहीं। अपने आप में गिरेबान में झांक करके देखो कि आपके कर्म कैसे हैं कि जनता आपके साथ जाना नहीं चाहती है। मेरी अपनी ओर से परिवार के सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना, धारा 370 हटाने का विरोध करना, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जिसके कारण कांग्रेस के विचारवान मित्र आहत हैं और उनको लगता है कि अब ऐसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री ही चुनाव नहीं लड़ रही। सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली, बताओ यहां से इंदिरा जी लड़ी, वहां कांग्रेस के पास उम्मीद आ रही नहीं है। कांग्रेस के अधा पतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे, भाई उम्मीदवार नहीं है, राहुल तो चले गए छोड़ छाड़ के, वहां से छोड़ के हम तो चले परदेश। अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी।